उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं अपने एक स्कूल विजिट पे आया हुआ था, देखें कि बारिश बरस रही है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे साथ मेरे स्कूल के ये गार्ड हैं मोहम्मद आमिर, ये देखें और ये देखें ऊपर बारिश है, मौसम ज़बरदस्त सा बना हुआ है, सर्दी भी है। मैं थोड़ा सा अपने आपको स्कूल का व्यू कराता हूँ, रूम का जो न्यू रूम बन रहे हैं उसका भी। मैं अपने स्कूल विज़िट पे आया हुआ था, मौसम देखें बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर आसमान पे बारे है जो है ना बादल हैं, गहरे गहरे बादल छाए हुए हैं। ये बहर का विज़िट कराता हूँ आपको स्कूल का। ये देखें यहाँ इस इलाके में सेम थोड़ का बहुत ज़्यादा मसला है, वो हमारी स्कूल की पुरानी इमारत है, दो रूम हैं पुरानी इमारत के। और ये देखें यहाँ सेम थोड़ का इतना मसला है कि ये सेम के लगने की वजह से दीवारें गली हुई हैं नीचे से, सारी स्कूल की दीवार का यही हाल है। ये हमारे स्कूल का थोड़ा सा सहन बचा हुआ है, अभी ये न्यू रूम बन रहे हैं, ये कुशादा रूम है और बहुत प्यारा रूम है। ये इनकी छत, ये फर्श और ये एक रूम ये है, इसका आपको व्यू कराता हूँ मैं अंदर से। ये देखें ये कोरोना की छुट्टियां हैं जो अब 10 जनवरी 2021 को स्कूल ओपन होने हैं, जो 26 नवंबर 2020 को स्कूल क्लोज हुए थे, लेकिन हमारे विज़िट हैं, हमारा स्टाफ भी इस वक्त मौजूद है स्कूल में, मैं विज़िट पे आया हुआ हूँ। बहर का व्यू कराता हूँ आपको, डियर व्यूअर अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ये एक रूम है, दूसरे रूम का आपको मैं व्यू कराता हूँ। ये दूसरा रूम है, सेम एक जैसे बने हुए हैं, बिजली की फिटिंग भी हुई खड़ी है इनमें। ये फिटिंग जो है दीवारों के अंदर है, ये मेन स्विच है। ये हमारा जो है ना पुराने रूम है स्कूल के, ये देखें ये दख्त, बारिश में नहा के इसकी जो कंडीशन बनी बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, गर्द जो है इससे हट गई है, सेम थोड़ होने की वजह से इसमें स्कूल की दीवार जो है ना गिरी पड़ी है। ये न्यू रूम है और ये दो पुराने रूम है। पानी जमा हो रहा है बारिश का, मैं भी गीला हो गया हूँ। बारिश में मेरा मोबाइल भी गीला हो गया है, कैमरा। ये हमारा स्कूल का गार्ड बैठा है, ये हमारा पुराना रूम, ये फर्नीचर रखा हुआ है, सर्दी भी बहुत है। ये बच्चों के लिए हमने जो है ना वो लगाए हुए हैं एनाफ्लेक्स, ये देखें
लेकिन देहात के बच्चे अल्लाह माफी बहुत ज़्यादा शैतान। पढ़ना था दूर की बात, आगे स्कूल की विंडो भी तोड़ जाते हैं, फर्नीचर भी तोड़ जाते हैं, समझा के उनके पीछे वालदैन को शिकायत कर कर के, फिर भी कोई हल नहीं है। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पे, क्योंकि कोरोना की जो छुट्टियां हुई हैं 6 माह में, तो बच्चे चाहे 5वीं क्लास के भी थे, वो सब कुछ भूल के आ गया, उनको ABC भी नहीं आती थी। पता नहीं 6 माह में उन्होंने ये कि समझा कि फॉर एवर के लिए छुट्टियाँ होंगी हमारी, हमने पढ़ना ही नहीं है, तो क्या हुआ कि उन कुछ भी नहीं आता था, ऐसे जैसे कोरा कागज़ होता है ऐसे बन के आ गया। बहर का व्यू कराता हूँ मैं, बारिश बारिश का मौसम और बहुत खूबसूरत व्यू ये देखें। ये पुराना रूम है स्कूल का, दूसरा रूम है ये, थोड़ा इसका व्यू करा दूँ। वैसे मेरा स्टाफ भी यहाँ मौजूद है इस बारिश में, ठंड में, सारे ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन छुट्टियाँ नहीं हैं हमें। ये देख लें, ये हमारे पुराने रूम की जो है ना छत और फैन लगे हुए हैं, ये इसका फर्नीचर पड़ा है इनका इस रूम में। थोड़ा सा बाहर का व्यू करा दो, इधर से ये न्यू रूम जो हमने बनाया वो नज़र आ रहे हैं साफ है, ये विंडो है। हालत यहाँ की ऐसी है कि यहाँ के बच्चे जो हैं देहात के बड़े शैतान होते हैं, विंडो के शीशे भी तोड़ दिए हैं।